गुरुग्राम के सोहना रोड पर आज दोपहर 3 बजे के करीब 5 नकाबपोश बदमाशों ने कैश वैन से 1 करोड़ रुपए की लूट कर मौके से फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और बदमाशों की तलाश जारी है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर सुभाष चौक के नजदीक 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें आरोपियों ने कलेक्टिंग कैश वैन से 1 करोड़ रुपए कंपनी कर्मियों की आंखों में मिर्च डालकर और गेन पॉइंट पर लूट लिए और मौके से आसानी से फरार हो गए। दरअसल गुरुग्राम की SMIB कंपनी कैश कलेक्ट करने का काम करती है। हर रोज की तरह आज भी कंपनी के कर्मचारी कंपनियों से रुपए कलेक्ट कर रहे थे। करीब 3 बजे जब कार के एक शोरूम से कैश कलेक्ट करने के लिए पहुंचे तो उसी दौरान 5 नकाबपोश बदमाशों ने विपिन नाम के कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डाल दी और गन पॉइंट पर वैन में रखी करीब 1 करोड़ रुपए की रकम को लेकर मौके से फरार हो गए। ये कंपनी अलग अलग ऑफिस और कंपनियों से रुपए कलेक्ट करके उनके बैंक खातों में रुपए जमा कराती है। आज करीब 10 अलग अलग जगहों से 1 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए थे। इसकी सूचना तुरंत गुरुग्राम पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे गुरुग्राम के DCP क्राइम और DCPE समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। फिलहाल आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है, तो वहीं कलेक्टिंग कैश कंपनियों के कर्मचारियों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। लेकिन इस पूरी वारदात के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अपने आप को हाईटेक कहने वाली गुरुग्राम पुलिस के सामने हर रोज बदमाश किस तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। तार ले दो फोटो। तार ले दो फोटो।